अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो भाई मोहम्मद आमिर के बाद उमर अकमल ने भी वर्ल्ड कप 2023 के लिए दस्तयाबी जाहिर कर दी है। बंदे ने कहा है कि टेंशन नहीं लेनी है भाई, विकेट कीपिंग भी कर लूंगा। और इसके अलावा फाइनली वो कुफर टूट चुका है जो हेटर को तो बड़ा मजा दे रहा था, जो हेटर्स है ना स्पेशली पाकिस्तान टीम को, उनको बड़ा मजा दे रहा था, लेकिन पाकिस्तानी फैंस को यह बड़ा चुभ रहा था। फाइनली वो कुफर इस वक्त टूट चुका है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद आमिर और उमर अकमल की। मोहम्मद आमिर ने तो जो स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, लेकिन भाई पीसीबी का कोई बंदा पहले मेरे साथ यानी कि राबता करे। हालांकि राबता तो किया था पीसीबी ने मोहम्मद आमिर के मैनेजर के साथ। तो आमिर ने कहा कि भाई हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट खेले, मतलब आमिर ने हिंट दे दिया था। लेकिन अब उमर अकमल साहब ने भी स्टेटमेंट अपनी जारी कर दिया कि मैं जी अवेलेबल हूं, विकेट के पीछे भी काम करने के लिए तैयार, मतलब विकेट कीपिंग करने के लिए उमर अकमल तैयार है, ये सिंपल कह दिया है। और पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर, यार हम वैसे मजाक या हंसी में जो भी बात कह दें, लेकिन रियलिटी ये है कि उमर अकमल का एक दौर था और बंदे पे बड़ा अरूज था। उमर अकमल से बेहतरीन पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज कोई नहीं था, ये बड़ी रियलिटी है, सबसे बड़ी रियलिटी है। लेकिन शायद अब उमर अकमल की टीम के अंदर जगह नहीं बन रही है। बहरहाल उमर अकमल ने भाई उसने अपने दिल की बात कह दी है कि भाई मैं अवेलेबल हूँ और विकेट कीपिंग करने के लिए भी तैयार हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड कप में तैयार है। वो बंदा नवाज शरीफ के पास बेचारा सिफारिश लेकर गया था कि जी मुझे वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया जाए, लेकिन पानी पुलों से गुजर चुका है, असल में हकीकत अब ये है। लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ी गुड न्यूज़ है, फाइनली भाई शाहीन अफरीदी और बाबर आजम की सुलह हो चुकी है। शाहीन ने जो पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कि भाई हम फैमिली की तरह हैं, तो शाहीन की उस पोस्ट ने बिल्कुल सारे रंज गम भुला दिए फैंस को, और ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। वर्ल्ड कप से पहले ऐसी पॉजिटिव वाइब्स का होना बहुत जरूरी है। तो भाई सारी जो रंजगी नाराजगी है वो खत्म हो चुकी है शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान। तो भाई शाहीन ने ये जो पोस्ट किया है, शायद उनको अपने सुसर साहब जो है उनका साथ थे, शाहीन का वलीमा था, लेकिन बाबर ने अटेंड नहीं किया, बाबर को दुबई जाना था कोई यानी कि प्रोग्राम, तो उसमें बाबर ने अपनी हाजिरी देनी थी। लेकिन चलो ये पॉजिटिव हो गया कि भाई शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान अब कोई भी इख्तलाफात इंशाल्लाह नहीं रहेगा, और वर्ल्ड कप से पहले ये होना बहुत जरूरी था। अपडेट से चले गए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल सब्सक्राइब।